माई यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सर्दी के टाइम पे हमें घर का मक्खन बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये मलाई निकाल के रखी है कटोरा भर के। तो आइए चलिए, घर का बना हुआ मक्खन मैंने मिक्सी का जार लिया है और ये वाइट मक्खन, ये देखिए सॉल्ट फ्री होता है, तो अगर किसी को सॉल्ट नहीं खाना है खाने में तो वो इस मक्खन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फ्री होता है ये वाइट मक्खन हमारा। मैंने जार में इसे निकाल लिया है अच्छे से। और मैं इसे एक से दो बारी, हमें ये पानी डालना होता है इसमें, नॉर्मल पानी, सर्दियां हैं तो हम नॉर्मल पानी डालते हैं, वरना हम गर्मियों में ठंडा पानी भी डालते हैं, लेकिन अभी सर्दियां हैं तो मैं नॉर्मल पानी डालूंगी। वैसे तो ज़्यादा है इसकी मात्रा, तो मैं एक दो बार इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये इसे मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल केक की फ्रॉस्टिंग जैसा बन गया है, हम इससे केक की फ्रॉस्टिंग भी बनाते हैं। और अभी से हमें हम मक्खन निकाला है, तो आइए चलिए थोड़ा इसको देखिए। ये मेरा मिक्सी में मैंने दो तीन बारी पिसा है, एक बारी आप लोगों को दिखाया था और एक दो बारी हम अच्छे से पीसेंगे ताकि सारा मक्खन जो है हमारा निकल के आ जाए। और इसे मैं कंटेनर में खाली कर रही हूँ जिसमें मैं फ्रिज में रखूँगी इसे। ये देखिए, इसी से हम फ्रॉस्टिंग की क्रीम भी बनाते हैं केक की, और ये हमारा वाइट मक्खन भी बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है ये, कितना टेस्टी होता है, यम, बिल्कुल परांठों के साथ ये ठीक है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, और मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड शेयर माय रेसिपीज, सब्सक्राइब टू माय चैनल, गो थ्रू विद द डिस्क्रिप्शन लिंक्स व्हिच यू आर गोइंग थ्रू, आई एम श्योर बाइंग अमेज़न प्रोडक्ट्स, एंड प्लीज़ 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 कीप ट्यूनिंग गाइज, आई एम लविंग दैट, थैंक यू वेरी मच।